है और इस वक्त हम घोसी लोकसभा क्षेत्र के डोमनपुरा इलाके में हैं और यहाँ पर हमारे साथ मुस्लिम वर्ग के लोग हैं। इनसे जानते हैं कि कैसे देखते चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे। क्या नाम है आपका? जाहिद कमार। भाई साहब क्या मुद्दे रहेंगे, क्या सोच रहे हैं आप? सबसे बड़ा मुद्दा बिजली का होगा जी। यहाँ बुनकर आत्महत्या करने के दहाने पर है और सरकार या विपक्ष में जो भी बैठे लोग हैं कोई मतलब बुनकर के बारे में बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ का बुनकर कैसे कैसे रात काट रहा है, सुबह काट रहा है, बुनकर ही जानता है। और कोई आके बुनकर के बीच में, चाहे मोदी हो, योगी हो, विपक्ष में हो, जो बुनकर की बात करेगा उनको वोट दिया जाएगा। तो अभी देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी से राजू राय हैं और एनडीए गठबंधन जो है वो अरविंद राजभर है, तो अभी मुस्लिम वोट किधर जा रहा है? देखिए मुस्लिम वोट की बात नहीं है, मुस्लिम वोट में 80% बुनकर लोग हैं और जो बुनकर की बात करेगा यहाँ कोई मतलब नहीं है कि अरविंद है या कोई और है, जो भी बुनकर की बात करेगा उनको वोट दिया जाएगा। अभी बुनकर की बात कोई नहीं कर रहा? अभी जो आएगा बुनकर की बात करे, मोदी जी यहाँ, योगी जी यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। आए, हमारी बात सुने, हमारी तकलीफ में साथ दें, बिल्कुल हम वोट दे देंगे। चाहे मोदी जी हो, योगी जी हो, चाहे विपक्ष के कोई भी हो, हमको किसी से दुश्मनी नहीं है, वोट देंगे, डंके की चोट से देंगे। जो बुनकर की बात करेगा बुनकर उसके साथ रहेगा। तो ये थे जाहिद साहब, जो साथ प्रोग्राम से बात की, और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? शमीम नाम। शमीम भाई आप लोग किधर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आखिरी फेज में चुनाव है यानी कि 1 जून को, तो क्या सोच रहे हैं आप? क्या सोचना है उसमें जी भाई, जो हम लोग काम करेगा उसको देंगे, जो नहीं करेगा उसको नहीं देंगे। तो अभी कोई काम करता दिख रहा है आपको या फिर कुछ और है? अभी तो परेशानी आ रही है, लाइन वाले आ रहे हैं चेक करने जी, तो फिर कोई आ रहा है तो कैसे दें? कोई आवाज नहीं उठा रहा बुनकर उठे? कोई नहीं उठा रहा है, कोई नहीं उठा। तो अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा तो वोट नहीं देंगे आप लोग? वोट देंगे क्यों नहीं, अब जिसको समझ में आएगा देंगे, जो हमारी सुनेगा उसको देंगे। तो अभी कोई सुन नहीं रहा? अभी कोई नहीं सुन रहा है, मतलब अभी मूड नहीं बन रहा आपका, कहाँ जाएंगे आप लोग? नहीं नहीं जी, हाँ ठीक है, जो इनकी बात सुनेगा उधर ही जाएंगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद। क्या नाम है आपका? इकबाल अहमद। इकबाल साहब क्या कहेंगे, चुनाव 1 जून को वोट होगा मऊ में, आखिरी फेज है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जाएंगे, कहाँ जाना, जब जो पार्टी आएगी देखा जाएगा कौन काम करने के लिए। हम लोग जो मांग है वो तो पूरी पहले कर रहे हैं, कोई पार्टी जी अभी कोई आप लोगों के बीच आया, आप लोगों की मांग पूरी? कोई कोई नहीं आया अभी, कोई आया ही नहीं है। अच्छा नहीं, अभी ये भी बताया जा रहा है कि नगर विकास मंत्री अखिल शर्मा यहीं के रहने वाले हैं और काफी विकास कर रहे हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं। कौन रहे हैं, कोई नहीं है विकास, कहाँ विकास अभी है, हम लोगों का लाइन का मसला है ना, पहले वो हल हो, पहले पेट से जो मतलब है वो हल हो। क्या क्या समस्या है? पहले तो लाइन की समस्या है, पहले लाइन की क्या समस्या है? जैसे पासबुक बहाल हो और क्या समस्या है? नहीं पता, अभी बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से राजू राय हैं और एनडीए से अरविंद राजभर है, अभी बसपा ने क्लियर नहीं किया। पहले तो आए तो लोग पहले मैदान में, उसके बाद देखा जाएगा। मैदान में दो लोग आ चुके हैं? आ चुके हैं, तो पहले जनता के बीच में तो आए, जब आएंगे तभी ना। जनता के बीच कोई नहीं आ रहा? नहीं, कोई नहीं आ रहा है। नहीं, तो अगर जनता के बीच कोई आता है तो आप किसे पसंद करेंगे? जो हमारा काम करेगा उसको हम पसंद करेंगे। पहले कोई आज तक काम किया? नहीं नहीं, कोई नहीं किया। तो आप लोग किधर जाते थे पहले? पहले समाजवादी को जाते थे। तो अभी भी कोई काम नहीं करेगा तो कहाँ जाएंगे? जो काम करेगा पहले वादा करेगा उसकी तरफ न जाएंगे। वादे तो सभी करते हैं कि हम ये करेंगे, करके चले जाते हैं पहले, अब करने के लिए कोई तो करे जी। अरे दोस्त वादा करके चले जाते हैं लेकिन कोई इनका काम नहीं करता। तो ये थे यहाँ के वो बुनकर तबका जो बिजली से परेशान है, पासबुक से परेशान है, लेकिन इनकी समस्या कोई सुनने वाला नहीं है। आपको बता दें कि मऊ शहर जो है वो बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर बुनकर का कार होता है, और अगर बुनकर का कारोबार अच्छा चलता है तो हर किसी का कारोबार अच्छा चलता है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? जरमान। जरमान साहब, चुनाव
आ गया है और पहले फेज यानी पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल से शुरू है और जो हमारे वहाँ है वो 1 जून से है, तो किधर जा रहा है, क्या सोच रहे हैं आप? चुनाव के लिए हम नहीं बता सकते हैं, हम पॉलिटिकल लाइन से बहुत दूर हैं। क्या बुनकर की समस्या क्या है? बुनकर की समस्या अनेक है, यहाँ पे पादू का लाइन को लेकर तमाम समस्या है, कोई सुन नहीं रहा, कोई सुनवाई नहीं है, तमाम अधिकारी जो है एकदम मनमानी है। किस तरह की मनमानी अधिकारी कर रहे हैं? अधिकारी बस भाई बिजी काट के भाई पैसा वसूली कर रहे हैं अधिकारी बस वही मनमानी। लेकिन ये तो ऊर्जा मंत्री का गृह जनपद है, उसके बाद भी धनुगाई हो रही है, कोई सुनवाई नहीं है, ऊर्जा मंत्री का गृह जनपद है इसके बाद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, धनुगाई अलग से हो रही है, ऐसा इनका एक आरोप था कि धनुगाई भी हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री जिस तरीके से लगातार विकास कर रहे हैं लेकिन बुनकरों की बात कोई नहीं कर रहा है, ऐसे में चुनाव से पहले ये हमारे साथ बुनकर थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर बुनकर की जो बात करेगा उसके साथ हम रहेंगे। जी क्या नाम है? अफरोज अहमद। बुनकर कहाँ जा रहा है इस बार? बुनकर पानी में जा रहा है, डूब रहा है। डूब रहा है जी, क्यों? कोई स्थिति खराब है, सरकार की स्थिति खराब है, लाइन के मामले में जो चाहे अधिकारी कर रहा है, समस्या बहुत काफी है, समस्याओं की लंबी फहरिस्त है लेकिन इन समस्याओं को कोई समाधान नहीं कर रहा है। ऊर्जा मंत्री का गृह जनपद है, वो भी इनकी समस्या नहीं सुन रहा है ऐसा इनका कहना है, और जो बुनकरों की बात करेगा उधर वो जाएंगे ऐसा यहाँ के बुनकरों का एक कहना था। और भी एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, युवा है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैजान। फैजान, युवा हो आप? जी युवा। क्या सोच रहे हो चुनाव को लेकर? हम भाई यही सोच रहे हैं कि बुनकर हैं हम लोग का लाइन का मसला हल हो जाए, बस इससे ज्यादा क्या भाई, हम यही मऊ का जो है मेन कारोबार है। सिर्फ लाइन का मसला ज्यादा नहीं, बहुत से ऐसे मसाले हैं, यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, हम लोग युवाओं को जाना पड़ता है कहीं और, मतलब आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता है एक पेपर के लिए, फिर कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है, ना कोई स्टेडियम है, ना कोई हॉस्पिटल है यहाँ पे कोई बड़ा सा, बस हमको बस वही विकास चाहिए जो हमारी जरूरत को पूरी कर सके, यहाँ विकास चाहिए जो इनकी जरूरत को पूरा कर सके। ऐसे तो ये लोग बुनकर है और इस बुनकरी जो बुनकर नगरी है इनके बीच आज हम मौजूद हैं और इन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि अगर इनकी जो समस्या सुनेगा उसके साथ ये चुनाव में रहेंगे। फिलहाल अब देखना ये होगा कि बुनकरों की समस्या कौन सुनता है। मऊ से जाहिद इमाम, पंजाब के सीटीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।